देहरादून की, जहां पर एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले में 34 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। पकड़े गए तस्करों द्वारा नाकों पर चेकिंग से बचने के लिए फर्जी कागजात और फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के तार उत्तराखंड से जुड़े थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी एसटीएफ उत्तराखंड को दी, जिसके बाद एसटीएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दो आरोपियों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे। देखिए, दो तरह के इसमें हैं। एक तो इनामी अपराधी हैं। अभी तक हम लोग पिछले एक वर्ष में 50 इनामी अपराधियों को पकड़ चुके हैं, जिसमें कि 5-6 ऐसे भी 1 लाख से अधिक इनाम वाले भी हैं, कुछ 50,000 से अधिक इनाम वाले भी हैं। साथ ही जो टॉप 50 हमारे नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं पूरे स्टेट के, उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, जो कुछ हैं जो कि एक्सटॉर्शन करते हैं, जेल से नेटवर्क संचालित करते हैं, तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इनमें से अधिकांश लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है। कुछ लोग जो बाहर हैं उनकी भी मॉनिटर किया जा रहा है, तो जिससे कि आगे कोई इस प्रकार की